द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में नया रायपुर स्थित व्यापम कार्यालय का घेराव किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि पीएससी के बाद व्यापम घोटाले कर सरकार ने बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, इसकी शिकायत राज्यपाल से भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की। इस परीक्षा में व्यापम के रिकॉर्ड के मुताबिक 146,176 उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन व्यावसायिक परीक्षा मंडल 146,275 उम्मीदवारों के रिजल्ट घोषित किए हैं। जारी रिजल्ट में 99 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। इसके विरोध में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के नेतृत्व में नवा रायपुर स्थित व्यापम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए भूपेश सरकार को घोटालों की सरकार बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई है तब से घोटालों का क्रम लगातार जारी है। पीएससी के बाद व्यापम घोटाला हुआ है। पीएससी के भ्रष्टाचार के बाद और एक भ्रष्टाचार सामने आया है जो कि व्यापम का भ्रष्टाचार है। किस प्रकार सहायक शिक्षक की भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है, जितने परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं उससे 99 परीक्षार्थी अधिक हो जाते हैं। जब इस बात पर सवाल किया जाता है, कहा जाता है कि परीक्षा केंद्र के अध्यक्षों की गलती है, तो हम पूछना चाहते हैं कि कितने परीक्षा केंद्र के अध्यक्षों पर आपने कार्रवाई किया है? परीक्षा केंद्र के अध्यक्षों के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी प्रकार से व्यापम घेराव के दौरान भाजपा कार्यकर्ता